Assalamualaikum class. This is Mohammed Hashim Zia and you guys are watching Mathsflix by Hashim Zia. बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत रिक्वेस्ट करके मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि सर हम किस तरीके से अभी लास्ट के डेज के अंदर अपनी तैयारी करें, यानी कि अगर मैं NUST साइट पे अप्लाई कर रहा हूँ, फास्ट साइट पे अप्लाई कर रहा हूँ या IBA साइट पे अप्लाई कर रहा हूँ या NED मेहरान या दाऊद पे साइट पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे सबसे पहले नंबर के ऊपर तो इस बात पे कंफ्यूज हैं कि सर हम किस तरीके से इन यूनिवर्सिटीज की लास्ट के डेज में तैयारी करें। तो अभी मैंने इस वीडियो का नाम क्या रखा है, 25 डेज प्लान। इस 25 डेज प्लान को अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। सेकंड नंबर के ऊपर बहुत से बच्चे इस बात पे कंफ्यूज चल रहे हैं कि सर अभी हम सेकंड ईयर के एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं, तो सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद टाइम बहुत थोड़ा सा रह जाएगा, फिर तैयारी कैसे करेंगे यूनिवर्सिटीज की, या फास्ट का टेस्ट तो मिड ऑफ जुलाई को आएगा, NUST का टेस्ट भी सर 18 जुलाई को, 17 जुलाई 19 जुलाई की डेट्स आई हुई है, IBA का टेस्ट 17 जुलाई के ऊपर है, या NED का टेस्ट जुलाई के एंड के अंदर आ रहा है, सर हम लोग कैसे तैयारी करें। इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत से बच्चों को परेशान करता है, सर वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, सर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, तो मैं इस वीडियो में शायद आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनकी आप तैयारी कर लो। अच्छा, सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लास्ट के डेज को तैयार करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। भाई देखो, मैं दो बातें आपसे कहता हूँ। वो बच्चे सबसे पहले नंबर के ऊपर जो स्टार्टिंग से बैठ के NUST की, फास्ट की, NED की, मेहरान की तैयारी कर रहे थे या IBCS की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने लास्ट के डेज में प्रिपरेशन कैसे करनी है कि भाई आपने जो भी अपने लेक्चर नोट्स बनाए हुए हैं, उन लेक्चर नोट्स को बनाते हुए या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जिन जिन क्वेश्चंस में आप सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगते थे या जिनमें आप फंसे थे, तो आपने लास्ट के डेज के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। या फिर अगर आपने IBA का राउंड 1 दिया था या NUST का राउंड 1 दिया था, या अगर आपने लास्ट ईयर NED का एग्जाम दिया था, तो भाई जिन टॉपिक्स की वजह से आपने वो टेस्ट फेल किया था, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर उन टॉपिक्स को तैयार करना है, उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद किसी और चीज पे जाइएगा। सेकंड नंबर के ऊपर अब आते हैं उन बच्चों के पास जिनके पास टाइम कम है, या उन बच्चों के पास जिन्होंने तैयारी स्टार्टिंग में नहीं करी थी और अब लास्ट के डेज के अंदर वो चाहते हैं कि उनकी अच्छी तैयारी हो जाए, तो भाई आप लोगों ने क्या करना है। मेरा बेटा मैंने इन इंडिविजुअल लेक्चर्स को मैंने डाले हुए हैं, यानी कि NUST की तैयारी करने की तरीके, IB की तैयारी, फास्ट की तैयारी, NED की तैयारी, मगर मैं यहाँ पे आपको जनरल बात कहना चाहूंगा कि भाई वो तमाम बच्चे जिनके पास अब टाइम बहुत शॉर्ट रह चुका है और आपको ये बात फॉलो अप करनी है कि आपने किस तरीके से मैथ्स की तैयारी करनी है, तो किस तरीके से करोगे। भाई ये ECAT मैथ्स की प्लेलिस्ट को आपने घोल के पी जाना है, इसको पी जाना है ECAT मैथ्स की प्लेलिस्ट को। देखो मुझे मालूम है कि यार पेपर्स आपके खत्म होंगे, सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं अभी सिंध बोर्ड सेकंड ईयर के, उनके पेपर्स खत्म होंगे 5 जुलाई को, तो उनमें से जो बच्चे फास्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे या IBA के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, फास्ट और IBA का टेस्ट 17 जुलाई से है, NUST का टेस्ट जो आ रहा है जुलाई के 20 तारीख या जुलाई की 18 तारीख को है, उससे राउंड डेट आना स्टार्ट हो गई है। मेरी एक स्टूडेंट है NUST की, उसकी बैच की, उसकी जो डेट आई है 15 जुलाई आई है। तो द पॉइंट इज दैट कि मेरा बच्चा, आप जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो कैसे तैयारी करें, प्लस जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी थी उन्होंने तैयारी कैसे करनी है, दोनों बातों का जवाब। भाई आपने इस ECAT मैथ्स की प्लेलिस्ट को बिल्कुल पी जाना है। कैसे पी जाना है ECAT मैथ्स की प्लेलिस्ट को? देखो आपके पास अभी टाइम कम है, आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो मेरा बेटा मैंने बहुत दफा अपने लेक्चर्स जब मैं आपको दे रहा होता हूँ, हर लेक्चर के अंदर मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। बेटा अगर आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है और इतना टाइम शॉर्ट है कि 15 या 20 डेज में आपने फास्ट का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है या IBA का टेस्ट क्लियर करना है या NUST का टेस्ट अगर आप चाहते हो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, तो भाई आपने इस ECAT मैथ्स की प्लेलिस्ट को कंप्लीटली लेना है, क्योंकि इसमें एक लेक्चर $1 बिलियन का है। मैं अपने लेक्चर्स के अंदर 10-15 जो MCQs करवाता हूँ बेटा, वो सारी पास्ट पेपर से बिलोंग करती है, तो क्या पता कि वही MCQs आपके फास्ट के पेपर में आ रहा हो, आपके IBA के पेपर में आ रहा हो, आपके NUST के पेपर में आ रहा हो, वही MCQs आपके NED मेहरान के पेपर में आ रहा होगा, क्योंकि वो इन्हीं के पास्ट पेपर से लिए गए MCQs हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर तो ECAT मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, इसमें एक लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी टोटल तादाद वीडियोस की 115 या 120 हो जाएगी। मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस भी करता है, कभी कभी डिमोटिवेट भी कर देता है कि सर ये इतनी सारी वीडियोस हैं, इनको देखेंगे सर ये इतनी बड़ी वीडियो, सर वो 50 मिनट की वीडियो, सर 10 मिनट में कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा। तो बेटा 10 मिनट के ऊपर जो है ना कुछ भी नहीं होता आज के जमाने में, और अगर आप चाहते हो कि 10 मिनट में कॉन्सेप्ट मिले, तो 10 मिनट के ऊपर फिर आपका पेपर ही वैसे ही होगा कि 10 मिनट में एंड हो जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? उसके पीछे रीजन है यार यार मैं जिन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पैसे लेके पढ़ाता हूँ बेटा, वो इंस्टीट्यूट्स मुझे यही ईकैट के लेक्चर्स जो मैंने अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं बेटा, यही ईकैट के लेक्चर जब मैं कोचिंग सेंटर में जाकर डिलीवर करता हूँ तो मुझे महीने के लाखों रुपया मिलता है बेटा यही लेक्चर्स डालने के ऊपर। तो पॉइंट इज दैट कि भाई आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सारा कंटेंट दिया हुआ है, तो वो तमाम बच्चे जिन्होंने भी नर्सरी फास्ट या आईबीसीएससी या एनईडी की इनफैक्ट मेहरान दाऊद की आपने अगर इनकी तैयारी इतने अच्छे तरीके से भी नहीं करी हुई थी या अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले नंबर के ऊपर तो मैथ्स के लिए आपने सीकेट मैथ्स के खजाने को पूरा एक्सप्लोर करना है बेटा। ये फेडरल का कंटेंट भी इसके अंदर है, इसके अंदर सिंध बोर्ड का भी है, पंजाब बोर्ड का भी, केवी के बोर्ड का भी है। मैं बहुत दफा नहीं बताता कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है क्योंकि एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर कोई डिफाइंड मूवमेंट नहीं होता कि एनईडी के टेस्ट में सिर्फ सिंध बोर्ड का आएगा भाई, अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमो तो कुछ भी आ सकता है। तो कभी भी जब आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे होते हो डिफाइंड पैटर्न नहीं होता, तो ये जो वीडियोस हैं मेरा बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोड करी हुई है। उसके पीछे रीजन है भाई क्योंकि एप्टीट्यूड की पढ़ाई बहुत महंगी है, तो मैंने वैसे ही तमाम बच्चों के लिए चीज डाली हुई है। तो आपने इन वीडियोस को तरीके से बैठ के लेना है। अगर आप इन वीडियोस को ले लेते हो बेटा मैं यहाँ पे खड़े होकर आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, वो प्रॉमिस ये कर सकता हूँ कि आपको इजिली आपका नस्ट में आईबीए में एनईडी में फास्ट एडमिशन हो जाएगा। और क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैंने मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व करवाए होते हैं, अगर आपके पास टाइम इतना लिमिटेड है कि आप किसी प्रैक्टिस बुक को सॉल्व नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इन वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आप उनको बैठ के सॉल्व कर लो, यकीन मानो बड़े काम आएंगे। सेकेंडली आपने बात देखी होगी कि भाई मैं इस चीज को बड़ी मेहनत कर रहा होता हूँ, यानी कि जो लेक्चर्स मैंने 2 साल पहले डाले थे और वो अब मुझे बच्चे कहते हैं सर वो इतना अच्छा समझ में नहीं आया, तो मैं उन लेक्चर्स को रिव्यू कर रहा होता हूँ, दोबारा बैठ के एक एक चीज मेहनत करके बना रहा होता हूँ। किसके लिए बेटा? अपने लिए नहीं बना रहा होता, मैं तो कोचिंग सेंटर में प्राइवेटली पढ़ा के बहुत अच्छा कमा लेता हूँ, बट ये यूट्यूब चैनल के ऊपर इसलिए डालने का मकसद होता है कि बहुत सा बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता या जो वहां पे कोचिंग सेंटर्स नहीं जाना चाहता और बहुत समझदार बच्चा है वो, तो उसके लिए ये काम बड़ा लाजमी होता है। तो भाई अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आपने इस काम को लाजमी फॉलो करना है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात कि वो बच्चे जो अभी 2nd ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि अभी जो मैंने बात कर ली वो तो सिंपल बात कर दी, अब जो दूसरी बात मैं करने वाले बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई वो बच्चे जो भी 2nd ईयर के एग्जाम दे रहे हैं उनका जो लास्ट पेपर 5 जुलाई को है, वो बच्चे भी परेशान है कि सर 5 जुलाई के बाद हम फास्ट या नस्ट या आईबी की एनईडी की तैयारी कैसे करेंगे। दो चीजें करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी किस पैटर्न के ऊपर हम इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर इस ईकैट मैथ्स की फिनिश को देखना, तो ये तो मैंने बता दिया। अब कैसे देखना है, बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं। देखो आप चूंकि अभी अपना 2nd ईयर देकर आए, आपने चूंकि अभी अपने 2nd ईयर के पेपर्स दिए हैं, पढ़ के दिए होंगे, ऑन एवरेज आपकी 50 to 70% तैयारी 2nd ईयर की ऑलरेडी मौजूद है। आपको खाली उसे पॉलिश करना है और वो पॉलिश बेटा मैं आपकी इजीली कर दूंगा क्योंकि फास्ट और आईबी में तो सिर्फ आती है आपके पास मैथ्स और इंग्लिश है, तो नर्स एनईडी या म्यूट या दाऊद के अंदर तो आपके पास फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, इंग्लिश भी होती है और मैथ्स भी होती है, तो आपके पास टाइम अनलिमिटेड है। मगर नर्स साइड पे मैथ्स का मेजोरिटी क्वेश्चन आता है, पहले बता रहा हूँ नर्स साइड के ऊपर 80 एमसीक्यू सिर्फ मैथ्स के आ रहे होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी मेरा बेटा, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। आपने सबसे पहले 1st ईयर के लेक्चर्स कवर करने हैं, इस ईकैट मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे, एप्टीट्यूड ईकैट मैथ्स से ईकैट मैथ्स दोनों एक ही प्लेलिस्ट है भाई, तो दोनों में वीडियोस की ज्यादा सेम है। क्लियर है? द पॉइंट इज दैट कि आपने पहले 1st ईयर मैथ्स के लेक्चर्स देने हैं, 1st ईयर मैथ्स के तमाम चैप्टर्स कवर करने हैं। क्योंकि आपने 1st ईयर तकरीबन 1.5 साल पहले पढ़ी थी, ऑब्वियसली वो आप चीज भूल चुके हो, तो आपने पहले 1st ईयर को कवर करना है। सही है? और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप कर सकते हो उतना आपको फायदा होगा। यानी कि अगर तो आपका फास्ट का टेस्ट है 17 जुलाई को, तो मुझे मालूम है आपके पास टाइम कम होगा, तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हो ना भाई, ईकैट मैथ्स की प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियोस डाली हुई है उनके अंदर जो क्वेश्चंस करवाए हुए उनको तरीके से बैठ के समझ लो, उनको तरीके से बैठ के कवर कर लो, उससे भी आपकी 90% तैयारी हो जाएगी। और फिर क्या करना है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर जाना है। अब अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो या फास्ट की तैयारी कर रहे हो या आईबीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। जब लिमिटेड टाइम है तो मेरा बेटा आप ईकैट मैथ्स के लेक्चर लेने के बाद इनके पास्ट पेपर सॉल्व करने पे जा सकते हो। इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मैंने लेक्चर्स दे दिए, पास्ट पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका भी आपको फायदा ही होगा। मगर ये इन यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ जिनका टेस्ट मिड ऑफ जुलाई में आ रहा है, जिनका टेस्ट किसमें आ रहा है, जुलाई के मिड में आ रहा है, तो इसमें आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ बेशक प्रैक्टिस शीट सॉल्व ना करें, आपके पास टाइम कम है, आप डायरेक्टली पास पेपर चले जाएं, मगर पहले ये लेक्चर्स दे लीजिएगा क्योंकि मेरा बेटा ये वो लेक्चर्स हैं हम कोचिंग सेंटर में देते हैं, ये क्लासेस होती है हमारी, जो क्लासेस मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा होता हूँ, तो आपने जब इन क्लासेस को कॉन्सेप्ट को लोगे तो फिर पास्ट पेपर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरा बेटा? पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर कोर्स कवर कैसे किया जाए। देखो मेरे जो ऑनलाइन बैचेस होते हैं, मैं कहीं भी बैठ के अगर किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ या किसी भी जगह में टीचिंग कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं सिर्फ अपने मेरा जो कोचिंग सेंटर है मेरा यूट्यूब चैनल ही है ना। अच्छा, तो अगर मैं अपना कोर्स कवर करवा रहा हूँ तो मेरा बेटा हम कोर्स किस तरीके से टीचर कवर करवाते हैं, तो भाई वो तमाम बच्चे जो भी सेकंड ईयर सेकंड बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, आप लोगों के खास तौर पर बता रहा हूँ कि भाई पहले मैं फर्स्ट ईयर का लेवल कवर कर पाऊंगा। उसके पीछे यही रीजन है कि आपने सेकंड ईयर भी पढ़ कर आए हो, फर्स्ट ईयर कवर करने में आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आप अपने जहन में एक रफ पैटर्न रख लो कि भाई अगर 5 जुलाई से लेकर कोशिश करो 11 जुलाई तक फर्स्ट ईयर मैथ्स को, फर्स्ट ईयर फिजिक्स को, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को, फर्स्ट ईयर इंग्लिश को रिवाइज कर लो। और फिर आफ्टर 12 जुलाई और 13 जुलाई आप लोगों ने कवर करना है 17 जुलाई से पहले तक सेकंड ईयर को। वो तमाम बच्चे जो नस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, एनईडी वालों के पास अभी आ रहा हूँ मैं। फास्ट साइड पे सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही होती है, तो ऑब्वियसली आपने सिर्फ कोशिश ये करो कि फर्स्ट ईयर की मैथ्स को कवर कर लो 5 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक, और उसके बाद 11 जुलाई से लेके आपने कवर करना है 17 जुलाई तक सेकंड ईयर कवर कर लो, और पास्ट पेपर साथ साथ कवर करते रहो। एक चीज जो फास्ट के अंदर अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर वो बेसिक मैथ्स कौन सी होती है, बेटा ईकेट मैथ्स को कवर करो, उसमें बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स मैंने साथ साथ कवर करवाए हुए, आपको उसमें वैसे जारी हो जाएगी। खाली कुछ 1-2 टॉपिक्स कवर नहीं करवाए हुए जो कि मैं आने वाले दिनों में भी अपलोड कर रहा हूंगा इंशाल्लाह, इनइक्वालिटीज वगैरह के टॉपिक्स और एवरेजेस वगैरह के वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अब आते हैं जरा इस चीज पे, भाई ये जो मैंने यूनिवर्सिटीज यहां पे रखी है ना, इनका बेसिकली टेस्ट होता है एंड ऑफ जुलाई को। इनका टेस्ट कब है? एंड ऑफ जुलाई में। एनईडी का टेस्ट है जुलाई की 30 तारीख से स्टार्ट है, मेहरान और दाऊद का टेस्ट तो उसके भी बाद है, अगस्त के एंड के अंदर है, सितंबर के अंदर जाती है। तो आपसे मेरी 2 चीजें मेरा बेटा, अब देखो अगर तो आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम्स अभी सेकंड ईयर के एंड हुए कब? 5 जुलाई को। तो आपने क्या कोर्स तरीका रखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे वीडियोस डाल दूंगा जिसमें मैंने लिखा है कि भाई यूट्यूब चैनल कौन से मैथ्स की तैयारी करने के, केमिस्ट्री की तैयारी करने के, इंग्लिश की तैयारी करने के, और पास्ट पेपर भी सारे के सारे आपको नीचे स्टडी मटेरियल ड्राइव में मिल जाएंगे। नीचे स्टडी मटेरियल ड्राइव डालूंगा बेटा, मेरी 2 साल की जो मेहनत है खजाना है पास्ट पेपर का, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी से पास्ट पेपर मौजूद होंगे। तो द पॉइंट इज दैट कि वो बच्चे जो एनईडी साइड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दाऊद के लिए अप्लाई करेंगे, बहरान के लिए, तो भाई आप लोगों ने 2 चीजें फॉलो करनी है। आप लोगों ने भी पहले फर्स्ट ईयर कवर करना है, उसके बाद सेकंड ईयर पे जाना है, क्योंकि सेकंड ईयर तो आपने 2 दिन में रिवाइज कर लोगे, क्योंकि सेकंड ईयर की आपकी मेजॉरिटी तैयारी वैसे ही हुई भी है, सिर्फ फर्स्ट ईयर की नहीं है। फर्स्ट ईयर क्योंकि आपकी रिड्यूस भी थी भाई, तो आपने पहले फर्स्ट ईयर मैथ्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश कवर करना है। उदाहरण आप लोगों ने पहले पास्ट पेपर सॉल्व नहीं करने, क्योंकि आपके पास 1 महीने का टाइम अवेलेबल है, आप लोगों ने पहले पास्ट पेपर्स को कवर नहीं करना मेरा बच्चा, क्योंकि कवर नहीं करने में अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, आपने पहले प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करना है। और मैं यहाँ पे भी बच्चों को यही बात कहूंगा, जिनके सेकंड ईयर के एग्जाम्स नहीं चल रहे भाई, जो फारिग हो तो आप प्रैक्टिस मटेरियल को भी सॉल्व करो, चाहे किप्स का सॉल्व करो, अनीस का सॉल्व करो, आईबी ग्रेड्स का सॉल्व करो, फई अब्बासी का सॉल्व करो, डॉगर्स का सॉल्व करो, जिसका अच्छा लगता है करो, सबका प्रैक्टिस मटेरियल एक जैसे ही होता है, सारे दूसरे के छाप बैठे होते हैं, आप किसी का भी सॉल्व करो, मगर सॉल्व लाजमी करो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है। अगर टाइम अवेलेबल नहीं है तो फिर पास्ट पेपर पे डायरेक्टली जाओ। मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करके तुम ए लेवल्स के अंदर अपना ए स्टार ले सकते हो? क्या सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करके क्या तुम अपना इंटर के अंदर A1 ग्रेड ले सकते हो? नहीं ले सकते बेटा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा आपको काम? तो भाई आपने पहले फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स लेने और साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करना है, फिर सेकंड ईयर के लेक्चर्स पे जाना है और फिर प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करना है, फिर लास्ट में पास्ट पेपर्स को देखना है। स्पेशली जो एनईडी के बच्चे मेरा बेटा 2020 और 2021 के जो एनईडी के पेपर्स हुए थे उन पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन्हीं वीडियोस के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे होंगे, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा एनईडी के अंदर, दाऊद का भी सेम एनईडी वाले टेस्ट ही होगा, तो बहुत चांसेस होंगे कि वही क्वेश्चंस आपके पेपर में आए। तो इसीलिए आपने उन पास्ट पेपर की वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन से बहुत ज्यादा चांसेस होंगे पेपर में आ रहे होंगे, मगर आपने तैयारी पूरी करनी की हो सकता है सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया जाए। मगर एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा कि आप में से अगर कोई भी बच्चा परेशान होता है, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को मुझसे पूछते हैं, सर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दें सर जो पहले कवर कर लें, यानी कि बहुत से बच्चे फास्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, नस्ट के लिए या IBA CS के लिए या एनईडी मेहरान या दाऊद के लिए। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, सर वो मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे? देखो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हर चीज इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी चीज को छोड़ के नहीं जा सकते बेटा। अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा ग्रेड है, अच्छा स्कोर है, अगर आप चाहते हो आपके 90+ मार्क्स हैं, तो मेरी एक बात पे अमल कर लो कि चीजों को छोड़ के मत जाइएगा। अब बहुत से बच्चे चीजें छोड़ के चले जाते हैं, गलत करते हैं, मगर फिर भी अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझसे ये पूछना चाहता है कि भाई सर हम किस तरीके से चीजों को कवर करें, या हम किस तरीके से कुछ पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें, क्योंकि नस्ट या फास्ट या आईबी का टेस्ट बहुत करीब है, तो भाई मैं आपको कुछ टॉपिक्स का नाम बता दूं, पहले इन्हें कवर कर लीजिएगा। ये मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 70 to 80% आपके मैथ्स के पोर्शन में कवर कर रहे होते हैं। इनमें से एक टॉपिक है आपके पास सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी कम्बिनेशन परम्यूटेशन, ट्रिगोनोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट ईयर से टॉपिक्स आ गए, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल दो। सेकंड ईयर से आपके पास जो टॉपिक्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रेट लाइन एंड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कॉनिक सेक्शन, ये चार टॉपिक्स आपके पास फर्स्ट ईयर से और ये चार टॉपिक्स सेकंड ईयर से, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि सर पहले कौन से टॉपिक्स कवर करें, तो बेटा पहले ये टॉपिक्स कवर कर लो। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा फास्ट का, आईबी का, नस्ट का एग्जाम इजीली निकल सकता है अगर तुमने सारे टॉपिक्स कवर किए। पहले तुम ये टॉपिक्स कवर कर लो, फिर बाकी टॉपिक्स कवर कर देना। मैंने लाइन वाइज तमाम लेक्चर्स अपलोड किए हुए, तमाम चैप्टर वाइज लेक्चर्स अपलोड किए हुए ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में या एप्टीट्यूड ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में। ईकेट मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है ना, सिंपल ईकेट वाली, वो जरा मॉडिफाइड है कि उसके अंदर मैं हर दफा चेंजेस करता रहता हूं। मैं कोई भी नया लेक्चर डालता हूं उसको सीक्वेंस वाइज ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में डाल देता हूं। वैसे एप्टीट्यूड ईकेट और ये ईकेट दोनों में मैंने सारी चीजें डाली हुई है, अब उनको फॉलो कर सकते हो। तो सिंपल ईकेट मैथ्स वाली प्लेलिस्ट है ना, वो ज्यादा मॉडिफाइड होती है, उसको ज्यादा मैं और से चेंज कर रहा होता हूं। अब बाहर एनईडी वाले बच्चे आ जाओ, तो भाई एनईडी के स्टूडेंट्स के लिए भी मेरी यही स्ट्रेटेजी होगी कि वो बच्चे जो एनईडी में अप्लाई कर रहे हैं, आपने भी पहले अगर फर्स्ट ईयर को पहले कवर करें तो फर्स्ट ईयर पहले इन टॉपिक्स को कवर करो, फिर इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। अगेन आप आईबी ग्रेड्स का मटेरियल ले लो, अनीस सर का मटेरियल ले लो, सदर उर्दू बाजार से आके आराम से मिल जाएगा। इनके आउटलेट्स बेटा मैं भी अनीस में भी पढ़ाता हूँ, बेटा मैं आईबी ग्रेड वालों के साथ भी रहा हूँ, मैं डिफरेंट जगहों में पढ़ाता रहा हूँ, बड़ी हैवी अमाउंट में इनके पास में पढ़ा भी रहा हूँ, सही है। तो अगर मैं फिर भी इनके खिलाफ बात करता हूँ, तो बेटा मैं कोचिंग माफिया के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाप अपनी पसीने की कमाई 80-80 हज़ार रुपए तुम कोचिंग सेंटर वालों को दो। बेटा मैं डिफेंस में एक जगह ऐसी पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे एक बच्चे की भी 90,000 रुपए, सिर्फ 2 महीने की नर्स की तैयारी की, एनडी की तैयारी की। भाई मैं इस चीज के स्टिल सब खिलाफ हूँ। पढ़ाता क्यों? कि बेटा हर इंसान के आगे पेट लगा हुआ, तो उसको ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ती, कमाना पड़ता है अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग यार, कमाता तो इसलिए हूँ। और जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि यार सर आप लेक्चर्स को डाल देते हैं, बेटा लेक्चर्स इसलिए डालता हूँ कि मेरा बच्चा, मुझे शौक है, कि मेरी कौम के बच्चे पढ़ें। सिर्फ इस बात पे मैंने बहुत से लोगों को रोते हुए देखा कि सर पैसे नहीं थे एप्टीट्यूड अफोर्ड करने की, इसलिए सारी चीजें मैंने डाली हुई है। सो द पॉइंट इज दैट कि यार आपने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने, फिर एनईडी के ऊपर, फिर दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जाना। और प्रैक्टिस मटेरियल लाजमी सॉल्व करें, प्रैक्टिस मटेरियल आपको इजीली सदर उर्दू बाजार से मिल जाएगा। अब मैं दूसरी बात यहाँ पे छोटी सी बात और कर देता हूँ कि भाई हमारा एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी एनईडी को टारगेट कर रहा है, मेहरान को टारगेट कर रहा होगा, दाऊद को टारगेट कर रहा होगा, फास्ट टारगेट कर रहा होगा। आईबीए या नस्ट की तैयारी करने वाले बच्चे भी उसमें आ सकते हैं, मगर मैं एक बार बता देता हूं कि भाई वो जो ऑनलाइन बैच अभी स्टार्ट हुआ है, उस ऑनलाइन बैच की खासियत क्या है पहले वो बता देता हूँ। मेरा बेटा आपके पास जो इस वक्त फीस चल रही है एप्टीट्यूड की, वो 90,000, 45,000, 60,000, 70,000, 50,000, ये सीरीज चल रही है। खाली एक महीने के लिए इतने पैसे मांग रहे हैं डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स वाले। तो भाई मैं तो इस कोचिंग के धंधे के खिलाफ हूँ, सही है। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपनी कोशिश करता रहता हूँ बच्चों को तालीम देने की। मेरा बेटा हमारा एक ऑनलाइन बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 5 जुलाई से, जिसकी फीस है 5,000 रुपए। मगर खास बात सुन लीजिएगा, इन 5,000 रुपीज के अंदर फिजिक्स भी कवर होगी, मैथ्स भी कवर करवाई जाएगी, इंग्लिश भी कवर करवाई जाएगी, केमिस्ट्री भी कवर करवाई जाएगी। अब आप सोचेंगे सर लोग तो 50,000 रुपए ले रहे हैं मगर आप सिर्फ 5,000 रुपए ले रहे हैं, सर ये कैसे पॉसिबल होगा? मेरा बेटा लाइव क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सेकंड नंबर के ऊपर हमारा मोटिव है भाई, हमारे बड़े भाई का, कि तालीम को सस्ती तरीके से बच्चों तक पहुंचाओ और फिर उसके अंदर अगर आप कुछ कर रहे हो बच्चों के लिए तो ये आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। तो भाई ये जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं ईकेट का ऑनलाइन बैच, ये सिर्फ 5,000 रुपीज के ऊपर होगा। भाई मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ाता हूँ, आपके सामने भी आपको ऑनलाइन ही पढ़ा दूँ मेरा बेटा। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे भी लेक्चर डाले हुए, मैं ऑनलाइन डेमो लेक्चर आप खुद भी आके देख सकते हो, जो मैंने सिंपल तरीके से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ। तो भाई नस्ट वगैरह के जो बैचेस मेरे पहले से चल रहे थे वो तो खत्म हो गए, मगर जो मेरा ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, ये एनईडी को, मेहरान को, दाऊद को, और अगर कोई बच्चा इन यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहा है वो भी आ सकता है। मगर जो कोर्स कवर होगा वो कोर्स कवर होगा जुलाई के एंड में जाके। हाँ, 17 जुलाई तक मैं फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन कवर करवा चुका हूँ। 17 जुलाई तक मैं एटलीस्ट फर्स्ट ईयर का पोर्शन कवर करवा दूंगा। तो अगर आप में से कोई बच्चा आना चाहता है तो बिल्कुल आए। क्योंकि खास बात क्या है इस बैच की, चारों सब्जेक्ट की फीस 5,000 रुपीज है, यानी कि आपको सिर्फ 5,000 रुपीज पे करने होंगे। आपको कंप्लीट एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा, इसमें फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, प्लस आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, प्लस आपके क्वेरी सेशंस भी होंगे, प्लस आपके डिफरेंट डिफिकल्टीज को भी काउंटर कर रहे होंगे। तो भाई इस पर्टिकुलर बैच की फीस कितनी है? 5,000 रुपए। चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, टेस्ट भी लिए जाएंगे सारे के सारे गूगल फॉर्म्स के ऊपर। सो द पॉइंट इज दैट यार ये बैच आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। वो बच्चे जो भी एनईडी की तैयारी है, मेहरान के, दाऊद की, या फिर फास्ट या नस्ट आईबी की भी तैयारी कर रहे हैं, मगर फास्ट नस्ट या आईबी के बच्चों का इस बैच में एडमिशन लेते हैं, बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई ये बैच के अंदर 17 जुलाई तक सिर्फ फर्स्ट ईयर कवर होगी, उसके बाद सेकंड ईयर के टॉपिक्स कम जाएंगे। मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा सेकंड ईयर की भी, मगर ये बात ध्यान में आप रखिएगा कि भाई सिर्फ फर्स्ट ईयर कवर होगी आपके पास 17 जुलाई तक। हाँ, अगर आप फिर एनईडी की तैयारी कर रहे हो तो 30 जुलाई तक हम लोग इंशाल्लाह सारा कोर्स कवर कर लेंगे। और फिर आफ्टर 30 जुलाई हम लोग पास पेपर्स एनईडी के सॉल्व कर रहे होंगे, हम लोग डिफरेंट क्वेरी सेशंस कंडक्ट कर रहे होंगे। मैं आपको वीडियोस दे दूंगा रिकॉर्डिंग पास पेपर्स की, मैं आपको क्वेरी सेशंस दे दूंगा, या फिर जो एनईडी के फर्स्ट राउंड के अंदर क्वेश्चंस आए होंगे जो कि 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट राउंड, हम उसके क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व कर लेंगे। और फिर सेकंड राउंड तक आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो भाई इस ऑनलाइन बैच के अंदर लाजमी एनरोल हो खुद के और अपने दोस्तों से भी, क्योंकि बेटा ये हम लोग बहुत छोटे पैमाने पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे फायदा बच्चों का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हमारा। क्योंकि भाई अगर मैं इस टाइम को किसी कोचिंग सेंटर को देता तो मुझे लाखों रुपये तो मिल जाता महीने का, मगर एक अपना काम मैंने स्टार्ट कर पाता, क्योंकि तो मेरा एक अपना काम है, मुझे शौक है इस चीज का, मैं इस काम को हमेशा करता हूँ। हमारे साथ फिजिक्स के टीचर भी होंगे, केमिस्ट्री के टीचर भी होंगे, इंग्लिश के टीचर भी होंगे। अच्छा एक चीज और, भाई बहुत से टीचर्स सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाने के 4500 रुपए लेते हैं। आपसे एक छोटी सी बात करूंगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई बहुत से यूट्यूबर्स, मुझे भी पता है ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट करते हैं, आपको भी पता है, बहुत से मैं नाम नहीं लेता, एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, और वो सिर्फ मैथ्स पढ़ाने के, मैथ्स की तैयारी करवाने के 4-4,500 रुपए फीस ले रहे हैं, सिर्फ मैथ्स पढ़ाने के। इस बैच का फायदा क्या है कि इस बैच के अंदर आपको ना सिर्फ मैथ्स पढ़ने को मिलेगी, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश भी तो पढ़ने को मिलेगी, यानी कि आपको सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी इस बैच में, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो ये इस पर्टिकुलर बैच का क्या होगा, फायदा होगा, एडवांटेज होगा। तो ये चीज आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर मालूम होनी चाहिए। क्लियर है मेरा बेटा? सेकंड नंबर के ऊपर जो यहाँ पे मैं लास्ट बात आपसे करना चाहूंगा कि भाई ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसमें एनरोल हो जाइएगा, आपको बड़ा फायदा इससे मिलेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा 0303, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख देता हूँ 0303-2785025। तो किसी को भी कोई मसला हो तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर ले मुझसे, मैं उसको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। दोबारा कॉल मत किया करो, मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करो। मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा होता हूँ बेटा, मैं दिन के 22-23 घंटे मेहनत कर रहा होता हूँ, मेरे पास कॉल उठाने का टाइम नहीं होता, मैसेज ड्रॉप कर दो। मैं जब भी फारिग होगा 2 दिन में, 1 दिन में, 4 घंटे में, 2 घंटे में रिप्लाई लाजमी करूंगा। क्लियर है? जो मुझे कॉल करता है मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाता यार, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा होता हूँ, उससे मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो यहाँ पे बस इस लेक्चर को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ, खैरियत के साथ कि भाई अगर आपने इस बैच में एनरोल नहीं भी होना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा मुझसे हर साल हजारों बच्चा पढ़ता है, मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी मेहनत करके सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए डाली हुई है। मैंने जो मेहनत करके ईकेट में मैथ्स की पेरेज डाली हुई है बेटा, आज भी पाकिस्तान की 2 लीडिंग एप्लीकेशंस मुझे लाखों रुपया देने को तैयार हैं कि मैं सिर्फ इन वीडियोस के अंदर उनकी प्रमोशन कर दूं। मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि बात गलत हो जाएगी, बट मैं बिका नहीं क्योंकि मुझे 2 एप्लीकेशंस ने अप्रोच किया था कि यार आप नस्ट की, IBA की, NED की प्लेलिस्ट एक बनाएं, क्विक मैथ्स प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में आपसे 10 वीडियोस डालें, मगर उन 10 वीडियोस में आप सिर्फ हमारे एप्लीकेशन का नाम दीजिएगा। तो उसको मैंने मना किया, और तो पहले शायद मैं ले लेता बट मैंने मना किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये काम अल्लाह की रजा के लिए किया है, ये काम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए किया है, मैंने उस चीज को मना कर दिया। तो भाई ये ईकेट मैथ्स की पेरेस्ट करोड़ों रुपए की है बेटा, ये लाखों रुपए की है, जो कोचिंग साइट पे जाके मैं पढ़ाता हूँ, मैंने सब वो डाला हुआ यहाँ पे। तो ये आपने लाजमी देखनी है। अगर आप मेरे ऑनलाइन बैच में नहीं आना चाहते कोई मसले की बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा बेटा, आप फिर भी मेरे शागिर्द हो, तो आपने इस ईकेट मैथ्स की पेरेस्ट को लाजमी फॉलो करना है। इसमें सब कवर करवाया है मैंने, इसमें मैंने नस्ट के पास पेपर्स, आईबीए पास पेपर, फास्ट के पास पेपर, एनईडी पास पेपर, कॉम्सेट्स के पास पेपर, यूडी लाहौर के पास पेपर, जीआईकेआई के पास पेपर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, ये ईकेट मैथ्स की पेरेज आपके लिए फायदेमंद होगी। तो यहाँ पे इस लेक्चर का इंतजाम करूंगा उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ, जहाँ जैसे खैरियत से होंगे। एक छोटी सी बात और भी कह देता हूँ कि भाई मैंने कोचिंग सेंटर सेलेक्ट करो पढ़ाने से बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा, क्योंकि मेरा इरादा अपने काम को आगे लेके चलने का है। तो मैं बहुत जल्द 10th ऑफ जुलाई से मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सिंध बोर्ड की भी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सिंध बोर्ड की लाइव क्लासेस में इंशाल्लाह 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जिसकी फीस 1000 रुपीज पर मंथ होगी। तो अगर आपको कोई छोटा बहन है, छोटा भाई, कोई कजन है, उसको आप रिकमेंड कर सकते हो। इसी तरीके से पूरी लाइव उसको मैथ्स पढ़ाई जाएगी, और उसकी क्लास हफ्ते में 3 दिन हुआ करेगी, और 1000 रुपए में पर मंथ की फीस हुआ करेगी। वहाँ पे से कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड, उसका बहन भाई तो वो भी कॉन्टेक्ट कर ले मुझसे, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। बस एक छोटी सी बात करूंगा, आप जहाँ हैं जैसे हैं खैरियत से रहें और बहुत सारी तैयारी करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, मुझे बेटा आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, मेरे लिए, मेरे हक में, मेरे फ्यूचर के लिए बड़ी दुआएं करिएगा। मुझे हर नमाज के बाद दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।